हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रेस शिल्पी। और मैं हूँ शिल्पा। जैसा कि आप देख रहे हो, आज भी मैंने पकोड़े के लिए सब कुछ रेडी कर लिया है। जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसा कि कल मैंने आपको दिखाया था, कोरिएंडर लीव्स से बना हुआ पकोड़ा। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, और अगर नहीं किया हो तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके लिए जो मैं ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप उसे भी देखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। सो बिल्कुल ट्राई कीजिए दोस्तों। और हाँ फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज भी मैं पकोड़ा लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी तीन तरह के पकौड़े आपको दिखाऊँगी, वो भी ग्रीन कलर वाले। सो चलिए आज मैं दिखाती हूँ। ये जो मैं लेकर आई हूँ, ये सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं उसके लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है कैबेज, यानी कि पत्ता गोभी, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कैबेज, और बंगाली में हम लोग इसे कहते हैं बांधा गोभी। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए कैबेज, जिसे मैंने धोकर वॉश करके इसको काट लिया है। जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं उसी तरह मैंने इसे काट लिया है। और इसके बाद इस पर हमें डालना है, और चाहिए होगा ये है नमक, सॉल्ट, ये है हल्दी, सूजी, चीनी, ऑयल, रिफाइंड ऑयल मैंने यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ इसे तलने के लिए, फ्राई करने के लिए। यहाँ मैंने एक चिली जो है, हरी मिर्च, उसे काट लिया है। और ये है फ्रेंड्स जीरा, साबुत जीरा। सो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि इसे कैसे बनाना है। दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसी पे इसे तैयार करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग डालेंगे इस पर नमक स्वाद अनुसार। मैं इस पर हाफ चम्मच डाल रही हूँ। हल्दी एक चुटकी, ये सिर्फ कलर के लिए। मैंने हाफ टी स्पून डाला इस पर। चीनी हाफ टी स्पून, हरी मिर्च, मैंने एक ही हरी मिर्च को यहाँ काट के रखा हुआ था, मैं उसे मिलाऊंगी पूरा। जीरा हाफ टी स्पून, सूजी 1, 2, 3, 4, 5, पहले मैं 5 चम्मच मिला रही हूँ, फिर इसे हम लोग मिक्स करेंगे। फिर मैं इस पर डालूंगी और भी सूजी, क्योंकि ये जो सूजी है, ये सूजी से ही तैयार होने वाला है। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरह से। हाँ दोस्तों, इसे आप हाथ से ही मिक्स कीजिएगा, क्योंकि चम्मच से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपको मिक्स करना। अब मैं इस पर मिला रही हूँ पानी। और ये जो कैबेज है, पत्ता गोभी, ये मैंने एक पूरा पत्ता गोभी लिया था, और वो भी छोटे साइज का, बहुत बड़ा साइज नहीं था उसका, छोटे से पत्ते गोभी को मैंने लिया है पूरा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल, और जो बेल बटन है उसे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल बटन क्लिक नहीं करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कब वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बेल बटन क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि मैंने वीडियो पोस्ट किया है। सो मैं अब डाल रही हूँ फिर से सूजी। फिर से मैं इस पर 5 चम्मच सूजी मिला रही हूँ। ये कुछ इस तरह से।
और हाँ दोस्तों, मैंने इस पर एक ही हरी मिर्च डाली है क्योंकि स्ट्रैंग्स को खाना है और वो झाल यानी कि तीखा ज़्यादा खा नहीं पाता। आप चाहे तो इस पर और भी मिर्च डाल सकते हो अगर आप तीखा पसंद करते हो तो। अब ये हो चुका है, मैं इस पर और थोड़ा सा इसे मैं सूजी मिलाऊंगी ताकि इसे मैं अच्छे से पकोड़े बना पाऊँ और इसे मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी ऐसे ही, क्योंकि सूजी जो होता है वो पानी पड़ने पे फूलता है। सो इसे मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी, 10 से 15 मिनट के लिए। ये कुछ इस तरह से अब मैं इसे छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इन्हें तलना है। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने 10 मिनट तक इसे मैंने छोड़ दिया था यूं ही। अब ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसको मैं थोड़े अच्छे से मस लूँगी। कुछ इस तरह से। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे फ्राई करना है। ये अब रेडी हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हो पकौड़ों के लिए बिल्कुल तैयार है ये। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे तलना है। अब जैसा कि मैं आप दिखा रही हूं आपको, कढ़ाई जो है उस पर तेल चढ़ाऊंगी। पकौड़े तलने हैं सो फ्रेंड्स, थोड़ा तेल जो है वो ऑयल थोड़ा ज्यादा ही देना होगा आपको। और उधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा रेडी हो रहा है राइस। उधर बन रहा है राइस, ये पकोड़े जो हैं इसे आप चाय कॉफ़ी के साथ भी खा सकते हो या फिर राइस के साथ भी, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ मैं राइस बना रही हूँ। सो मैं आज लंच पे ये खाने वाली हूँ राइस के साथ। सो फ्रेंड्स, ये जो तेल है ये गर्म हुआ है या नहीं इसके लिए आप थोड़ा सा जो है से डालकर देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ये तेल जो है, ऑयल जो है, ये गर्म हो चुका है क्योंकि ये जैसा आप देख रहे हो ये भी फ्राई हो रहा है। अब मैं इस पर डालूंगी पकोड़े कुछ इस तरह से। आप अपने हिसाब से अपना कोई भी साइज या फिर शेप दे सकते हो, मैं तो कुछ इस तरह से बनाती हूँ। ये पकौड़े जो हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को भी पसंद आएगा और बड़ों को भी।
और ये बहुत ही झटपट रेडी होता है और सूजी सबके घर पे रहता ही है, सो आप कभी भी इसे ट्राई कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो, ये मैं इसका जो फ्लेम है बढ़ा रही हूँ। इनको अच्छे से फ्राई करना है। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पकोड़े जो हैं ये अब रेडी हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं अच्छी तरह से। अब मैं इसे निकाल लूँगी। और इसी तरह से और भी जितने हैं पकोड़े उसे मैं बनाऊँगी अभी। जिस तरह से मैंने आपको कल भी कहा था कि ग्रीन कलर के पकोड़े हैं, सो मैं आज भी जो है प्लेट मैंने यूज़ किया है ग्रीन कलर का। इसी तरह से मैं और भी पकोड़े बनाऊंगी अभी। सो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गर्मा गर्म पकौड़े जो हैं ये रेडी है। ये देखिए बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखने में कुछ इस तरह से है। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए मैं इसे सर्व करूँगी अभी श्रेयांश को, और मैं दिखाती हूँ कि आज हमारे लंच में क्या क्या बना है और हम ये किसके साथ खाने वाले हैं। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा गर्मा गर्म खाना। ये है श्रेयांश का प्लेट जिसमें है गर्मा गर्म राइस। जैसा कि आपको भी पता है कि ठंडे के मौसम में गर्मा गर्म खाना खाना कितना अच्छा लगता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने आज बनाया है पनीर की सब्जी, पनीर आलू कैप्सिकम के साथ। और इसकी जो रेसिपी है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी फिर कभी। और ये है हमारा दाल, मसूर की दाल। और ये है जो पकोड़ा मैंने अभी अभी बनाया है, आपको दिखाया था। और ये है राइस, ये है मेरा नींबू यानी कि लेबू, बंगाली में इसे कहा जाता है लेबू। सो अब मैं श्रेयांश को सर्व करती हूँ, फिर हम लोग खाएंगे खाना। श्रेयांश को देख के ही लग रहा है कि उसे काफी ज्यादा भूख लगी है क्योंकि वो अभी स्कूल से आया है। ভাতের উপরে দিয়ে দেবো না সাইডে দেবো? सो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं भी खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, मैं कल फिर से कुछ नया लेकर आऊँगी और वो भी होगा पकोड़ा, वो भी ग्रीन कलर का। सो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, तब तक के लिए।